मुझे कब से बुला रही है, मुझे इतना दिल है उससे मिलने का, बट मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ उससे बिल्कुल भी। कि इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने रोटी छीनी तो इसने मेरे से कुछ कर दिया। तो बिग बॉस में हम जितने क्लोज थे उससे कहीं ज़्यादा क्लोज मैं बोलूँगा कि हम बाहर की लाइफ में आके हुए हैं। तेजा से तो रोज मिलते हैं, करण भाई से भी मिलते रहते हैं, और बहुत लोग जब गेट टुगेदर करते हैं या जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे बुलाते हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा दिल करता है यार कि मैं उनसे मिलूं। लेकिन यू नो हाउ डेली सूप लाइफ इज, इट्स लाइक यू आर शूटिंग 12 टू 14 आवर्स अ डे एंड फिर उसके बाद खाने और सोने के अलावा किसी चीज़ का टाइम बचता नहीं। तो नेहा की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कब से बुला रही है, मुझे इतना दिल है उससे मिलने का, बट मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ उससे बिल्कुल भी। राजीव अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आया एंड 2 दिन पहले 3 दिन पहले आके ही इज़ कॉलिंग मी एवरी डे कि मिल सिम्बू, मिल मिल मिल, एंड आई वॉन्ट टू, क्या करूं, रात को पैकअप 3 बजे हो रहा है। फोन से किसे किसे बात हो जाती है, निशान से मेरे ख्याल? फोन से तो सबसे बात होती है, निशान से सबसे ज्यादा बात होती है। मतलब बिग बॉस में हम जितने क्लोज थे उससे कहीं ज्यादा क्लोज मैं बोलूंगा कि हम बाहर की लाइफ में आके हुए हैं। जब हम घर के अंदर भी थे तो हम ना हमेशा बाहर की बातें करते हैं, और निशान मेरे पास आता कहता है यार मैं ना तेज से बात करना इसीलिए पसंद करता हूँ, ये तो गेम की बातें नहीं करता कि इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने रोटी छीनी तो इसने मेरे से कुछ कर दिया। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आर पर्सनल लाइफ्स कि दिस इज़ हाउ आई एम इन पर्सनल लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ माई एम्बिशन, दिस इज़ माई पैशन, हम इस बारे में बातें करते थे। एंड जब हम बाहर आए उस फेस से हट के, तो हमने जब इन चीज़ों के बारे में और बातें की तो हम और क्लोज हो गए। एंड आई थिंक ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड उससे भी मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। फॉर मी ना नागिन 6 भी अगर मैं बोलूँ, मैं मानता हूँ कि वो एक बालाजी का शो है, बहुत जाना माना शो है, 6th season है उसका, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली नॉट द रीज़न फॉर विच आई हैड साइंड अप फॉर दैट।